चुनावों का मौसम हमेशा से सियासी गलियारों में हलचल मचाता रहा। देश भर में अलग अलग राज्यों की सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे जनता की बदलती हुई सोच और राजनीतिक समीकरणों की झलक दिखा रहे हैं। ये परिणाम न केवल मौजूदा सरकार के प्रदर्शन का आईना है बल्कि आगामी चुनावों के लिए भी संकेत देता है। आइए नजर डालते हैं इन राज्यों के ताजा नतीजों पर और समझते हैं किसने कहां बाजी मारी। असम 5 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 3 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत की। वहीं यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल और असम गण परिषद ने एक एक सीट पर जीत हासिल की है। बिहार 4 सीटों में से भाजपा ने 2 सीटों पर अपना वर्चस्व दिखाया, जबकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और जेडीयू ने एक एक सीट पर जीत हासिल की। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया। गुजरात में राज्य की सभी सीटों पर भाजपा का परचम लहरा रहा है। कर्नाटक 3 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिस्से में गई, जिससे कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत दिखाई। केरल 2 सीटों में से एक पर कांग्रेस और दूसरी पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश, यहाँ की 2 सीटों में से भाजपा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर जीत हासिल की। मेघालय, राज्य की एकमात्र सीट नेशनल पीपल्स पार्टी के खाते में गई। बात करें अगर पंजाब की तो 4 सीटों में से 3 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम किया। वहीं राजस्थान में 7 सीटों में से भाजपा ने 5 सीटें जीती, जबकि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस को एक एक सीट मिली। सिक्किम में 2 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने ही जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो कुल 9 सीटों में से 6 सीटें भाजपा के हिस्से में गई, 2 समाजवादी पार्टी और 1 राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई। उत्तराखंड में सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ की 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। अब देखना ये होगा कि क्या राजनीतिक समीकरणों की ये तस्वीरें बदल पाएंगी देश की दिशा। धन्यवाद।